लो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू हैंडल योर एस टी टीपी पुट मैथड इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन क्या है इसका मतलब मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है हम कर्ड ऑपरेशन देख रहे हो राइट right? जिसमें हमने एस टी टीपी गेट मैथड पोस्ट मैथड एंड देन डिलीट मैथड देख लिया है आज हमें देखना है अपडेट मैथड बट अपडेट करके कोई मैथड नहीं है इधर वी कैन यूज पुट और वी कैन यूज पैच सिंपल डिफरेंस आप यह समझ लीजिए कि पैच में क्या कर सकते हो आप लाइक uh, like, अगर सौ सौ वर्ड्स है तो उसमें से लेट से आपको दस पंद्रह को ही चेंज करना है तो आप पैच यूज़ कर सकते हो एंड अगर आप पुट मेथड यूज़ करते हो तो वो कंप्लीट सबको ही अपडेट करने में काम आता है ठीक है आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा अब आज इसको जो अपडेट वाला पार्ट है मैं दो वीडियो में डिवाइड करने वाला क्योंकि कल का जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा चला गया एंड आई नो आप लोगों को थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल हुआ क्योंकि हम एक्चुअल में जो रियल ए है उसके साथ खेल रहे हैं यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दिस आर दी रूट्स जिसमें से हमने गेट देख लिया पोस्ट देख ली डिलीट देख ली आज हमें देखना है इधर पुट और अ पैच बट दोनों में एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हो एंड देट इज देखो डिलीट एंड देन ये जो पुट एंड देन पैच है दोनों में कॉमन है एंड देट इज कि आफ्टर द रूट आप फॉरवर्ड स्लैस एक, एक, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक, एक एक्स्ट्रा डेटा या पेलोड आप पास कर रहे हो क्योंकि डिलीट में हम एक एक्स्ट्रा डेटा इसलिए पास करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है मुझे इसको डिलीट करना है तो जब मैं इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास कर रहे उसमें जिसको भी मैंने क्लिक किया होगा उसका एक यूनिक आईडी होता है तो ये वन तो फिलहाल इन्होंने डिफॉल्ट रखा लेकिन हमने डायनेमिक यूज किया तो मैं अगर सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा तो ये आपका सेकेंड हो जाता है तो मतलब पोस्ट फॉरवर्ड स्लेस टू इट मीन्स कि सेकेंड नंबर का जो पोस्ट है उसको डिलीट कर दो राइट right? तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ विद इन अ फ्यू सेकेंड डिलीट हो गया बट उसी तरीके से अब अगर मुझे मेरे पोस्ट को अपडेट करना है तो इसका भी तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए मैं लेट से ये जो मेरा सेकेंड वाला है ठीक है वो एक्चुअल सेकेंड वो डिलीट हो चुका है ये जो थर्ड था वो अब सेकेंड हो गया लेट से मुझे अब इसको अपडेट करना है ठीक है मुझे टाइटल को भी अपडेट करना है न्यूज़ बेसिकली हमारे बॉडी उसको भी अपडेट करना है तो स्टेप देखना हाँ सबसे पहला स्टेप होगा ये कि मुझे एक बटन क्रिएट करना है एडिट नाम से या कुछ भी नाम का एंड उस पर जब भी कोई करेगा क्लिक मैंने घर क्लिक होना ये है कि हमारा ये जो इनपुट फील्ड है अगर आप देखोगे ध्यान से हमारा ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे ये जो टाइटल है वो यहाँ पे ऐड हो गया ये जो बॉडी है वो यहाँ पे ऐड हो गया तो आज हमें इस वीडियो में यही देखना है कि कैसे आप अगर इस एडिट बटन को क्लिक करते हो तो उसका टाइटल एंड देन बॉडी हमारे फॉर्म का जो टाइटल एंड बॉडी वाला जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे ऐड हो जाता है एंड एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम जो ऐड बटन था वो अब आपका एडिट बटन हो गया है इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इसको मैं कर देता हूँ थापा इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट अपडेटेड एंड अब अगर मैं एडिट को करता हूँ क्लिक तो जो मेरा एक्चुअल जिसको मैंने क्लिक की थी उसका वो डेटा को कर देगा चेंज विद इन अ सेकेंड एंड बूम गाइस सी ये देख लो थोड़ी देर पहले मेरा सेकंड क्या था बट अब मेरा सेकंड क्या हो गया है एंड साथ ही साथ मेरे दोनों इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी वो अब एंट्री हो चुकी है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ जो आई डोंट नो आपने uh, सोचा या नहीं दैट इज़ आवर दिस बटन ये बटन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे ऐड लिखा है इट मीन्स हम एस टी टी पी पोस्ट मैथड को कॉल कर रहे हैं एंड अगर यहाँ पे लिखा होगा एडिट इट मीन्स वी आर कॉलिंग दी अपडेट मैथड बट अपडेट होगा नहीं इधर पुट या पैच एस टी टी पी मैथड तो ये तरीके है इसको इस तरीके से टैकल करने का एंड आई होप आपको फंडा समझ गया कि क्या मतलब किस तरीके से ये अपडेट काम कर रहा है तो आज जो है हमें इतना देखना है कि इस पर मैं क्लिक करूँ वो डेटा यहाँ पर मुझे मिल जाए एंड हमारा बटन जो है वो चेंज हो जाए ठीक है एंड बटन चेंज आएगा सो हम कल देख लेंगे बट एटलीस्ट ये डेटा आप यहाँ पे कैसे दिखा सकते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी गाइस right अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं गया तो आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा एंड अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि कोई नॉर्मल टू डू एप्लीकेशन नहीं जो आपको लग रहा है तो यार नॉर्मल टू डू एप्लीकेशन है भाई कहाँ टू डू है नॉर्मल कहाँ है ये हम एक्चुअल ए पी आई के साथ काम कर रहे हैं एक्चुअल एपीआई ये सारा डेटा एक्चुअल एपीआई का एक्चुअल एपीआई में ही डेटा ऐड कर रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ पुट पैच कर रहा हूँ क्रिएट कर रहा हूँ पोस्ट कर रहा हूँ एपीआई में ही हम डेटा सब कुछ कर रहे हैं वहाँ से डेटा जब लेके आते हैं तब हम यहाँ पर काम करते हैं तो ये नॉर्मल मत समझना इसको ठीक है एंड गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक like दोस्तों को भर भर किसे वी आर वेरी क्लोज टू सेवन लैक्स सब्सक्राइबर्स सब आपकी दुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स मेक सेवन तक ताकि और असम awesome वीडियोस में लेके आओ एंड हाँ रिएक्ट का फाइनल प्रोजेक्ट तो बाकी है अभी <laughs> है ना समझ रहे हो ऑल राइट right, तो हम चलते हैं हमारे कोड पे ध्यान से देखिएगा फिलहाल वी हैव ओनली वन बटन अब हमें एक और बटन लगेगा जो कि ऑलरेडी है बाय द वे एडिट बटन है यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ आई मीन एक प्रॉप्स uh, कह सकते हो या तो आप एट्रीब्यूट बोल दो कुछ नहीं चल जाता सो ऑन क्लिक पे हैंडल डिलीट के बदले वॉट आई विल डू आई विल राइट हैंडल अपडेट पोस्ट एंड मुझे एक आईडी पास नहीं करना है मुझे आईडी पास नहीं करना है अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा डेटा पास करेंगे ठीक है क्योंकि मैंने बताया आईडी तो हम नहीं कर सकते अब ध्यान से देखो ये क्या है ये हम मैप मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड जब भी हम मैप मेथड यूज़ करते हैं तो ये एक एक इंडिविजुअल जो हमारा डेटा है उसके लिए हम ये अलाइक कॉल कर रहे हैं तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने हमारे पास तो सौ पोस्ट थे उसमें से यूजर ने किसको क्लिक किया होगा राइट right? ईजी है लाइक like, ये इंडिविजुअल डेटे की ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो करंट एलिमेंट मेरा वो करेंट एलिमेंट है जिसको यूज़र ने क्लिक किया होगा तो मेरा ये जो करेंट एलिमेंट है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ऑल राइट ठीक है इतना मेरा काम हो गया हैंडल पोस्ट डेटा आपको अब आप मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा डिलीट है डिलीट के नीचे मैं चलता हूँ हैंडल पोस्ट डेटा देखो कैसे सो कॉन्स्ट एंड यहाँ पे गाइस अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा एंड वो मुझे मेरे फॉर्म को पास करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता ना मेरा मेन मकसद तो क्या है मेन मकसद ये है कि यूज़र अगर इस पर क्लिक करेगा तो वो डेटा यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए एंड हमारे केस में फॉर्म तो मेरा एक अलग सेपरेट कंपोनेंट है तो मुझे फॉर्म को बताना है कि किस डेटा को आपको आपके इनपुट फील्ड पे ऐड करवाना है सो दैट्स द रीजन वाई मैं ये जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा एक और न्यू कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं लिख देता हूँ अपडेट डेटा ए पी आई अपडेट डेटा ए पी आई कर देता हूँ कॉमर्स सेट अपडेट डेटा ए पी आई विल बी इक्वल टू यूअर यूज स्टेट एंड मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ एंड मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ क्योंकि टाइटल एंड देन बॉडी हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है फॉर्म में अगर आपको ध्यान होगा तो फॉर्म के लिए हमने जो डेटा बनाया था वो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट है वो जस्ट एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ठीक है सो मैंने इस तरीके से बनाया सेट अपडेट ये जो मेरा अपडेटेड फंक्शन है इसको मुझे बस क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर या तो उसके अंदर की भी नीड नहीं है मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो जो मेरा ऑब्बियसली ये जो करेंट एलिमेंट मैंने पास की है यहाँ पे मुझे मिला होगा करेंट एलिमेंट उसी को ही मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ दिस इज़ इट सो ये था मेरा एक्चुअल मेथड जिसकी मदद मतलब से मैं पोस्ट मेथड को हैंडल करने वाला हूँ अब इतना करने से होगा ये कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा ये फंक्शन कॉल होगा एंड मैं ये वाले अपडेटेड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसके चलते होगा ये कि मेरा जो ये अपडेट डेटा ए वाला स्टेट वेरिएबल है इस पर वो करेंट डेटा ऐड हो चुका होगा ठीक है अब मेरे लिए ईजी हो गया कि बस इसका डेटा को मुझे फैच करके इनपुट फील्ड पर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा ये दोनों के दोनों जो डेटा है कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इक्वल टू वापस पेस्ट कर रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे विल भी इक्वल टू वापस पेस्ट कर रहा हूँ एंड इसमें ये जो कॉमा है उसको मैं हटा दे रहा हूँ एंड हाँ द वे यहाँ पे भी हमें कॉमा की नीड नहीं है तो नाव मेरे फॉर्म कंपोनेंट पे मैं इतने सारे प्रॉप्स जो है पास कर रहा हूँ अपडेट डेटा आई पाई आई मीन ए पी आई एंड डी ए सो गाइस यहाँ पे आना है एंड हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर ही रहे उसको एंड देन वी हैव अ सेट अपडेट डेटा एंड देन ए पी आई ठीक है अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ मुझे अब देखो डेटा तो मुझे मिल चुका है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बस अब मुझे उसको इस जगह पे ऐड करवाना है मेरा ये जो अपडेट डेटा ए है यहाँ पे डेटा हमें मिल चुका है ठीक है ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक काम करते क्या इस ठीक इसी के नीचे चलते ठीक है अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा मैं यूज इफेक्ट कॉल करने वाला हूँ कि जब भी ये मेरा डेटा जो है अपडेट होगा ऑटोमेटिक ये जो यूज स्टेट है एड डेटा यही तो डेटा वहाँ पर है ना इसको मैं ऑटोमेटिक अपडेट कर दूंगा कैसे ध्यान से देखना यूज इफेक्ट ठीक है सो so, इस तरीके से एंड लेट्स पास आवर एरे डिपेंडेंसी एंड इस एरे डिपेंडेंसी पे भी मैं ये अपडेटेड डेटा पास कर रहा हूँ अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या करता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम तो ये चलेगा चलेगा अगर हमारे पास अपडेटेड डेटा ए है तब सेट एड अ डेटा ये वाला जो पार्ट है आप गाइस ऐसे भी कर सकते हो एल्स हम डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं एंड डैट इज़ क्योंकि डेटा तो दो ही है सो so हम हार्ड कोड वाला भी कर सकते हैं टाइटल विल बी इक्वल टू आप लिख सकते हो अपडेट डेटा ए पी आई डॉट टाइटल एल्स एम टी ठीक है एल्स एम टी रहेगा फिर बॉडी अपडेट डेटा ए पी आई डॉट बॉडी एल्स एम टी आई होप गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ तक तो एकदम बच्चा था कि बटन पर क्लिक की करेंट एलिमेंट डाला मैंने अपडेट करके किसट वेरेबल को अपडेट कर दी एंड फॉर्म को मैंने एज अ प्रॉप्स पास कर दिया तो जब हम उसको गेट करते हैं फॉर्म में तब मैं यही देखूँगा ना कि फर्स्ट टाइम तो वो एम टी है लेकिन जब बात आएगी गाइस अपडेट डेटा एपीआई ये तभी अपडेट होगा जब किसी यूज़र ने उस एडिट बटन पे क्लिक किया होगा एंड अगर एडिट बटन पे क्लिक किया होगा तो मुझे मेरा डेटा जो है किसी भी हालत पे टॉप पे दिखाना ही है वो मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता तो मेरे को अब यूज इफेक्ट यूज करना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर ये डेटा रहा अगर ये वाला डेटा के अंदर कुछ भी रहा बेसिकली इस स्टेट वेरिएबल के अंदर तब आप ये जो सेट डेटा जो इनिशियली आपने एम्प्टी करके रखा हुआ है उसमें ना आप बस ये वाले जो टाइटल एंड बॉडी है उसको आप ऐड कर दीजिएगा एंड जब जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो ये देखो डिपेंडेंसी एरे पे मैंने उसको ऐड कर दिए तो ये फंक्शन कॉल होता रहेगा एंड ये जो पार्ट है वो अपडेट हो जाएगा एंड अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल एज इट इज ही रहेगा राइट कंट्रोल एस सेव करता हूँ ये अपना कोड है इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ सेकेंड वाले का टाइटल बस तीन वर्ड का है तो इस पर एडिट पर क्लिक करता हूँ एंड बुम गाइस इस सी मेरा काम हो गया ये देखो मुझे यहाँ पे डेटा आ गया ना यहाँ पे देखो ना ठीक है सो so गाइस इस तरीके से जो है हम डेटा को गेट कर सकते थे अब कल की वीडियो में मैं अब आप आपको ये बताऊँगा कि यहाँ तक तो आपने कर लिया है अब कल की वीडियो में पहले तो ये जो ऐड को आपको एडिट में कन्वर्ट करना है फिर आपको ये चेक करना है कि वो ऐड बटन है या वो एडिट बटन है एंड उसके बेस पे आपको अपडेट करना है कि पोस्ट करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। बट बत या कल का वीडियो विल बी आवर लास्ट वीडियो सो आई होप गाइस ये मिनी सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड ये वाला जो फंडा है ये आपको पता चल गया होगा कि हमने यूज इफेक्ट क्यों यूज की है बोल के एंड टॉप पे कुछ तो भी बता रहा है यार डोंट वरी इसका क्या काम है वो भी बहुत जल्द आएगा बट वो तो कल की वीडियो में सो या इस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड धीरे धीरे नए नए चीजें आपको पता चल रही होगी अच्छा है यार खतरा है ये तो नॉर्मल टूडो एप्लीकेशन और इस टूडो एप्लीकेशन में तो बहुत डिफरेंस है राइट right? सो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है यूज इफेक्ट हुक को एक बार बार चेकआउट कर लीजिएगा डेटा कंट्रोल स्टेट आई मीन कंट्रोल एलिमेंट वर्सेस अनकट्रोल उसको चेकआउट कर लीजिएगा एंड गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड मेरे पूरे यूट्यूब करियर का सारा सोर्स कोड चाहिए तो वो भी मैं सेल कर रहा हूँ आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लैक् सब्सक्राइबर्स गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल दें गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर